हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमर्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट सूजी लड्डू, जो देख के ही मुंह में पानी आ जाएंगे। कितना डिलीशियस है ना। त्यौहार में तो लड्डू ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए हम तैयारी करेंगे लड्डू, और वो भी कोकोनट सूजी लड्डू। बहुत ही डिलीशियस और ईजी रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप नारियल लेंगे, जिसे हम अच्छी तरह मिक्सर करने में पीस लेंगे। 1 कप सूजी लिया है। सूजी का क्वांटिटी और नारियल का क्वांटिटी इतना होना चाहिए, सूजी से नारियल ज़्यादा होना चाहिए। फिर हमने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई पे हमने सूजी को दे दिया है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अभी हम सूजी को फ्राई करेंगे। सूजी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सूजी को बस इतना फ्राई करना है कि जैसा कि इसका कच्चापन अच्छी तरह चला जाए। तो 5 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसे निकाल दिया है। अभी हम कोकोनट को दे देंगे, यानी कि नारियल को भी फ्राई करेंगे और इलायची दे देंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी दे सकते हैं, इससे लड्डू का स्मेल बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी। तो हमने थोड़ा इलायची पाउडर दे दिया है और 1.5 कप चीनी देंगे। हमने यहाँ पीसा हुआ चीनी यूज़ नहीं किया है और डायरेक्ट चीनी दिया है, क्योंकि जब हम इसी तरह इसको मिक्स करते रहेंगे कुछ समय के लिए तो चीनी अपने आप पिघल जाएगा और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सूजी जितना दे उससे ज़्यादा हमने यहाँ पर कोकोनट दे दिया है। अभी हम इसे मिक्स कर रहे हैं कोकोनट को चीनी के साथ। अभी हम यहाँ पर सूजी दे देंगे 5 मिनट के बाद, जब हमने कोकोनट को चीनी के साथ थोड़ा फ्राई कर लिया। अभी हम तीनों चीज़ों को इसी तरह मिक्स करके फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। 5 से 10 मिनट इसे इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। हमारा जो लड्डू है एकदम खिला खिला बनेगा और बहुत डिलीशियस होगा, जिसे आप 1 महीने तक आराम से स्टोर करके खा सकोगे। और ये देखने में तो जितना सुंदर होता है, डिलीशियस भी उतना ही होता है। तो अभी हम इसी तरह इसे कंटिन्यूस मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के लिए छोड़िएगा मत, कंटिन्यूस चम्मच से मिक्स करते रहेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है, हाई मत कीजिएगा। तो देखिए, इसे मिक्स करते समय इसी तरह जो चीनी हमने दिया था वो पिघल जाएगा अपने आप। तो इस टाइम हमने यहाँ पर आधा कप के करीब दूध दिया है। आप चाहे तो मलाई भी दे सकते हैं। इस दूध इसलिए दिया है ताकि जो हम बाइंड करने में इजी हो लड्डू को, लड्डू का शेप इजी तरह से बन जाए। तो अभी हम लड्डू बना रहे हैं, हमने इसे ठंडा नहीं होने दिया, गर्म गर्म में हम लड्डू बनाएंगे। ठंडा हो जाने से लड्डू शेप लेने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हमने प्लेट में निकाल लिया और उसके बाद लड्डू बना रहे। तो अगर लड्डू बनाने में आपको मुश्किल हो तो आप हाथ में घी लगा ले या पानी लगा ले, तब आपका लड्डू आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, हमारा लड्डू रेडी हो गया, दिवाली स्पेशल वाला लड्डू। कितना डिलीशियस दिख रहा है ना, और लग रहा है कि खा ले। तो अगर वह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।